तो पिछले एपिसोड में हमने गेम का सबसे ताकतवर पोकेमॉन पकड़ा था एंड वो था म्यूटू। ओह मैन, हार्ट बीट बढ़ रही है। अरे लेकिन मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिल रही थी क्योंकि गेम का सबसे बढ़िया आइटम अभी भी हमारे पास था। हमारे पास था मास्टर बॉल। तो घंटों सोच विचार करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम ये खतरनाक मिशन करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ज़ाइग्रेड को पकड़ने के लिए। ब्रो आई बर्रा तसियो भाई अंशु, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले पोकेमॉन का एक्स एंड वाई वर्जन। लेकिन 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 सबसे पहले कहाँ चले गए थे तुम? एक्चुअली तो गलती मेरी ही है कि वीडियो मैंने ही नहीं डाली थी। खैर रात गई बात गई भाई, उन सब बातों को छोड़ो, फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। एंड लेट्स सी, हाय मम्मी बाय मम्मी, आपसे मेरे को बात नहीं करना। एंड अरे सोना तू अभी भी यही खड़ी है? अरे तेरे को रूम में जाना तो तू मेरे रूम में जाके बैठ जाए, इतने धूप में यहाँ पे इस तरीके से क्यों खड़ी है? चलो ठीक है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं पहले जहाँ पे हमको वो ज़ाइग्रेड मिलने वाला है, हमारा लेजेंडरी पोकेमॉन। तो लेट मी फ्लाई। एक्चुअली मेरे को लग रहा था वो इधर साइड है जहाँ तुमने बताया था, तो जो रेल वाला पटरी था आई थिंक वो इस टाउन में था ना, कावरी वे में, कावरी वे टाउन में एक्चुअली। ओके लेट मी सी, मेरे ख्याल से यहीं पे था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार मैं चल के देखूँ तो मैं कंफर्मेशन हो जाएगा मेरे को कि हाँ यहीं था कि नहीं था। लेट मी सी माई बॉय, ओके आई थिंक सो यहीं पे, ऑफकोर्स यही है यहीं पे, अब तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ। चलो ठीक है, हम यहाँ पे रूट 18 है एक्चुअली, तो हमको यहाँ से जाना है। और वर्ट 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 लिटले, ओ शिट, अरे बॉल ट्रेस मिल गया। अरे मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। व्हाट मॉल्ट्रेस फील्ड, मॉल्ट्रेस ने मैदान छोड़ दिया। व्हाट ये क्या हुआ? शिट, एक्चुअली मैंने कोई प्लान नहीं किया था मॉल्ट्रेस को पकड़ने के लिए, मैं अभी ज़ाइग्रेड को ही देख रहा था। बट मॉल्ट्रेस आई डोंट नो कैसे क्या करना है हमको, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। चलो हम वो भी करेंगे, बट आज पहले हम लोग ज़ाइग्रेड को देखते हैं। अगर जल्दी हमने पकड़ लिया ज़ाइग्रेड को, हम कर सकते भाई। पत्थर कैसे तोड़ूँ मैं, मैंने तो कुछ लाया ही नहीं एक्चुअली। मेरे को ऊपर साइड जाना था ना, माइट बी यार। अच्छा हाँ, इस ट्रैक में जाना था मेरे को, अभी याद आया, शायद से इसी ट्रैक में जाना था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके देन, मैं इस वीडियो को सेकेंड टाइम फ्री फ्रेम कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गया था ना, तो एक तो मेरा रिपल खत्म हो गया एंड साथ में मैं रास्ता भटक गया यार। मतलब कितने गजब गजब तरह के रास्ते यार, मतलब मैं लिटरली भटक गया कि मैं कहाँ पे कहाँ था। तो यार लेट्स रीस्टार्ट मैन, मुझको नहीं पता, मेरे को एस्केप रूप लेके निकलना पड़ा है लिटरली। अरे भाई पोकेमॉन भी मिल रहे हैं यहाँ पे, मैंने रिपल एक्चुअली लिया है फिर भी। दैट इज़ नॉइवर, नॉई बैट एक्चुअली, नॉई बैट, नॉइवर कोई अलग पोकेमॉन है क्या? क्योंकि नाम मेरे को कुछ फैमिलियर लग रहा है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ नॉई बैट भाई। तेरा फिसकी एबिलिटी, फिसक जाएगा तू, चिंता मत कर। चलो फिलहाल के लिए निकलते हैं। मेरे ख्याल से इस बार मेरे को रास्ता, आधा रास्ता तो पता है, फिर आधा हमको ढूंढना पड़ेगा। पहले हमको इधर साइड जाना है मेरे ख्याल से लिटरली। नहीं मैं भूल गया, मैं पिछला रास्ता ही भूल चुका हूँ, मुझ पर विश्वास मत करो। किधर था रास्ता? लिटरली इधर था मेरे ख्याल से, या ऑफकोर्स इस ब्रिज पे था। ओके या मुझको रिपल फिर से यूज़ करना है, वैसे तो ये रिपल बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हमको इधर साइड जाना था। अंकल जी आप टुकुर टुकुर चला करो एंड हम यहाँ से निकलते हैं। इन अंकल जी को थोड़ा पास करने देते हैं, आपके पीछे से हम निकल जाते हैं अंकल जी। और यहाँ पे तुम इसको मिस मत कर देना क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इसको मिस कर दिया था। देन मेरे ख्याल से हमको किधर साइड जाना है, इधर तुम जा ही नहीं सकते। इन मोहतरमा से थोड़ा बच के हमको चलना पड़ेगा। मोहतरमा ओके, सो मेरे ख्याल से हमको इधर साइड जाना होगा। माइट बी मेरे को इधर साइड जाना है। अंकल जी ऊपर साइड मेरे को जाना था कि नहीं जाना था, मैं भूल गया लिटरली, मैं यहीं तक तो कर रहा था। ओके इधर साइड मेरे को नहीं जाना था, तो मेरे ख्याल से हमको इधर साइड ही जाना है जहाँ पे वो अंकल थे, वो बैटल करने वाले अंकल जी। मेरे ख्याल से हमको इधर साइड जाना है, इनको मैंने हरा दिया था और हमको इधर साइड जाना है। रिपल फिर से ख़त्म हो गया, देखो मैं बोल रहा हूँ रिपल जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है।
और इधर साइड अगर हम गए, इधर तो हम जा, ओके हमको इधर साइड जाना है, पहले इन दोनों को हरा देते हैं। लेट्स सी बॉयज इनके पास कौन कौन से पोकेमॉन रहते हैं। दैट्स अ ड्यूअल बैटल। एक्चुअली मेरे को लगता है पक्का हस्बैंड वाइफ हो गए या फिर पार्टनर्स जो भी बोलो इनको। नीडोकिन है नीडोक्विन, राजा और रानी साथ में। मेरे ख्याल से मेरा म्यूटू अकेले देख सकता था अगर साइकिक दोनों पे काम करता। बटराका तो उसका मदद कर दे क्योंकि म्यूटू को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वैसे भी 51 लेवल के पोकेमॉन है। एक्चुअली मेरे 70 लेवल के पोकेमॉन है। लेट मी यूज इट ऑन नीडोक्विन एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ड्रैगन रश। लग गया तो नीडोकिन का भी काम खत्म ही हो जाएगा क्योंकि एक तो फिक्स है क्योंकि साइकिक टाइप इस पर सुपर इफेक्टिव है। सेकेंड पे मेरे को लगता है ड्रैगन रश अगर लग गया तब हो सकता है हमारा काम। माइट बी, या माइट बी। ओके लेट मी सी कि क्या लगेगा अर्थ पावर। अरे भैया बस 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 राका नहीं, राका कुछ एक्चुअली हुआ नहीं। आई थिंक दैट्स इट बॉयज। मेरे ख्याल से एक साइकिक इसके लिए काफ़ी रहना चाहिए। ड्रैगन रश भी कर ही देते हैं, वैसे तो साइकिक लगेगा ही। म्यूटू ने अकेले ही दोनों को देख लिया, राका बस मुँह देख रहा था। चलो कोई बात नहीं राका, तुमने भी बढ़िया खेला। फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से मैं रास्ता भटक जाऊँ। यार यहाँ पे रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है लिटरली, तो तुम थोड़ा भी ध्यान मतलब केयरलेसली रहोगे अगर यहाँ पे तुम पक्का खो जाने वाले हो यहाँ पे। लेट मी सी कि मेरे को शायद से इधर साइड से निकलना था। मैं पहले यहाँ गेम सेव कर लूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को रास्ता पूरा याद है पीछे का, फिर यहाँ से आगे का मेरे को रास्ता पता नहीं है। तो हम लोग पहले इधर साइड चलते हैं। अच्छा देयर इज़ अ पोकेबल, नहीं मेरे को नीचे नहीं जाना, फिर से हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्केट्स एक्चुअली एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं हमेशा सर्कल पैड यूज़ करता हूँ ना, तो मेरे को स्केट्स पहन के ही यूज़ करने का आदत है। मैं इधर से चलूँ। ओके यहाँ से हमको ऊपर जाना है माइट बी, या फिर कोई और स्टेज ऊपर। हाँ ऊपर ही है ये। इधर से एक मिनट वर्ट, यहाँ से नीचे जा सकते क्या? नहीं लिटरली नहीं जा सकते। वहाँ पे एक पोकेबल है, ये अंकल जी पक्का लड़ेंगे, मेरे को पता था अंकल जी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आई थिंक एक ऑरा स्फीयर इसके लिए काफ़ी रहेगा। माइट बी एक ऑरा स्फीयर एंड स्टेडी। मेरे को लग रहा था यार लिटरली हर रॉक टाइप के पास स्टेडी क्यों आ रहा है। मतलब रॉक टाइप की एक बहुत अच्छी एबिलिटी है स्टेडी, जिससे उसका एक HP बच जाएगा वो फेंट होने से पहले, तो तुम उसको एक मूव में कभी भी नॉकआउट नहीं कर सकते। एंड भाई वो लिटरली कभी कभी काम आ जाता है क्योंकि अगर तुमको याद है काउंटर एंड मिरर कोड जैसे मूव्स, मतलब वो लिटरली इतने डैमेज देते हैं। मान लो तुमने किसी पे अटैक किया, उसको स्टेडी आता था एंड उसने काउंटर कर दिया, तुम भाई लिटरली बचोगे नहीं। जैसा कि वावाफिट करता था, वावाफिट ही ना नाम था उसका। आई थिंक मेरे को इधर से जाना है। माइट बी यही रास्ता होना चाहिए, प्लीज़ खोना नहीं चाहता फिर से लिटरली। आई थिंक मैं सही जगह पर आ गया हूँ। माइट बी ओके हम इधर साइड पहले चल के देखते हैं। ओके देयर इज अ पोकेबल एडमेंट ऑब, मेरे ख्याल से ये डीएलगा का है। माइट बी एडमेंट ऑर्ब जो भी है वो, माइट बी शायद से वहाँ पे जाइग्रेड है। बट पहले हम लोग यहाँ चल के देख लेते हैं कि आइटम वगैरह क्या क्या हैं। या एक्चुअली मेरे को अभी भी काम करना पड़ेगा रिपल के साथ। गाइडिस योस ऑर्ब, आई थिंक ये जीरा टीना का है। माइट बी मतलब नाम सुन के तो वही लग रहा है। और सा कुछ है भाई जाइग्रेड? अभी नहीं, अभी मत देखो, पहले हमको आइटम्स ले लेने हैं जो हम लोग को माइट बी यहाँ पे मिल जाए। यहाँ से कहीं जाने वाला रास्ता है क्या? नहीं एक्चुअली मेरे को क्यों लग रहा है कि यहाँ जाने वाले रास्ते मुझको मिलेंगे। ओके लेट मी सी, लश्रस ऑर्ब ये किसका हो सकता है? पालकिया का तो पी से कुछ होगा, लश्रस ऑर्ब किसके लिए हो सकता है? माइट बी नहीं, वो पालकिया का ही होगा। माइट बी देखो मेरे को पता नहीं है एंड यहाँ पे तो कुछ हमको मिला ही नहीं। व्हाट? अरे मैंने लिटरली इसी तरह बस क्लिक किया था, मुझको बिग नगेट मिल गया। ओट मेरा लक भाई, मेरा लक कमाल है। लेकिन बॉयज अब टाइम आ चुका है कि हम चले जाइग्रेड को पकड़ने के लिए। जाइग्रेड भैया हाय, यह लिटरली कितना खतरनाक दिख रहा है यार। मतलब तुम उसका सर पे देखो इस तरह से ऐसे खुला हुआ ना, वो भाई इसका एनिमेशन भी गजब है। अरे यार जाइग्रेड फाइनली तुम मिल गए भाई। तेरे को ढूंढने के लिए मैं लिटरली बता रहा हूँ 1 घंटा से प्लस मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैं रास्ता बिल्कुल भटक जा रहा था कि मेरे को जाना किधर साइड है। मेरे ख्याल से दैट्स इट, मैं ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ। आई एम गोना यूज़ मास्टर बॉल। मेरे ख्याल से मेरे को नहीं यूज़ करना चाहिए, बट
बट यूज कर देते हैं यार, छोड़ो कर देते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से मेरे को मॉल्ट्रस के लिए बचा के रखना था, बट कोई बात नहीं, अब बाद में देखेंगे कि अगर मॉल्ट्रस मिला तो हम उसको पोकेबॉल से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट दैट्स इट बॉयज, हमने पकड़ लिया है ज़ाइग्रेड एंड अभी फिलहाल चल के देखते हैं इसका स्टेट्स। भाई मेरे को वो देखना है इसका स्टेट्स वगैरह क्या है एंड कैसा लगता है एक्चुअली में टीम में, भाई देख के बहुत मज़ा आएगा। पोकेडेक्स में हमारा ऐड हो चुका है हमारे ज़ाइग्रेड, हमारा सांप पिच्छू जो भी बोले इसको, ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप है। एंड अभी हम लोग पहले ज़ाइग्रेड को निकालते हैं, मज़ा आएगा। लेट मी समवन पीसी में हमको डिपॉजिट करना कल पोकेमन, मैं किसको करूँ अब लिटरली ये एक सवाल है, बट आई वांट अ डिपॉजिट इट मैन। किसको मैं सोच रहा हूँ, मैं राका को निकाल दूँ क्योंकि वैसे भी अल्ट्रासन में रख रख के मैं बोर हो चुका हूँ राका से। राका एक्चुअली बहुत अच्छा पोकेमन है, बट या जब तुम एक ही पोकेमन को बार बार यूज़ करोगे तो तुम बोर तो हो ही जाओगे ना। फिलहाल हम लोग ज़ाइग्रेड को विड्रॉ कर लेते हैं। ओके लेट्स सी, आई थिंक ज़ाइग्रेड का स्टेट्स देखने में मज़ा आएगा, एक बैटल भी कर ले तो वो भी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। बट एक बार मैं ज़ाइग्रेड का स्टेट्स देखना चाहता हूँ। अच्छा समरी में ही ना मेरे को जाना है, एंड यहाँ पे क्रंच है, अर्थक्वेक है, कैमोफ्लेज एंड ड्रैगन पल्स है। एक्चुअली मास्टर बॉल तुम देख सकते हो और कैसे वो है, एंड इसके स्टेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली। अटैक तुम देख सकते हो 166, बेसिकली इसका डिफेंस ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, तो बढ़िया ये रहेगा कि तुम इस पर एस अटैक करो क्योंकि एस डिफेंस इसका माइट भी कम है, मतलब उतना कम नहीं है बट हाँ कम है। और इसका एबिलिटी है ऑरा ब्रेक, द इफेक्ट ऑफ ऑरा एबिलिटी विल बी रिवर्स्ड। ऑरा ऑरा एबिलिटी का क्या होता है मेरे को वही नहीं पता कि ऑरा से क्या होता है, मैं ऑरा ब्रेक का क्या बताऊँ तुमको। ओके चलो ठीक है, फिलहाल हमने ज़ाइग्रेड को भी पकड़ लिया है एंड आई थिंक कि आज के लिए काफ़ी है। एंड आई होप तुमको इस सीरीज़ में मज़ा आया, तो वीडियो को तुम ज़रूर से लाइक कर देना, माइट बी ये लास्ट एपिसोड होता है इस सीरीज़ का। आई होप तुमने पूरा सीरीज़ एंजॉय किया हो यार, एंड दैट्स इट, बी टू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अल्ट्रासन की वीडियो भी देख लिया करो यार, उसको भी बहुत मेहनत लगता है बनाने में।